हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी कर रहे होंगे। आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंडिया के डिफरेंट सिटी से आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप उन सिटी के अगर आसपास हो तो उन्हीं प्रोडक्ट को टारगेट कर सकें। वैसे तो आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरे भारत से, फिर भी जो आपके सिटी आपके पास हो तो आपको उससे मैनेज करना आसान होगा। इसी सीरीज़ में आज हम पहले बात करेंगे अमृतसर से क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अमृतसर सिटी के लिए आज हम बात करेंगे। जैसा हम जानते हैं, अमृतसर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब स्टेट। ये भारत सरकार द्वारा हेरिटेज सिटी भी घोषित किया गया है। इसके अलावा, जैसे आपको पता ही होगा, अमृतसर एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है जिसमें काफ़ी सारा वुलन टेक्सटाइल्स का काम होता है। मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ बनते हैं वो है वुलन स्कार्फ, मफलर, शॉल। इनको बनाने के लिए काफ़ी विकसित वुलन स्पिनिंग इंडस्ट्री, वुलन वीविंग और प्रोसेसिंग अमृतसर में काफ़ी अच्छा सेटअप है। आप इन प्रोडक्ट पर फोकस करके एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छे नाम हासिल कर सकते हैं, अच्छी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। बात करते हैं अमृतसर के एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए। अमृतसर से एक्सपोर्ट ईयर 2019-20 में शॉल का एक्सपोर्ट 374 करोड़ का था, एच एफ कोड 6214-2010 में। स्काफ का एक्सपोर्ट एच एफ कोड 6214-2020 में एक्सपोर्ट 146 करोड़ था 2019-20 में। जैसा कि आप देख रहे हैं इन आंकड़ों से, काफ़ी सारा एक्सपोर्ट अमृतसर से ऑलरेडी हो रहा है जो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आप प्रोडक्ट को सही टारगेट करें, सही हिसाब से कस्टमाइज करके बायर को प्रेजेंट करें, तो काफ़ी सारा आप और इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। मेजर डेस्टिनेशन जो अमृतसर के स्कार्फ, शॉल, ब्लैंकेट के हैं, ये मेनली USA, यूरोप के वेरियस कंट्री जिसमें जर्मनी, इटली, UK मेजर हैं, देन जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में भी काफ़ी सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। अभी भी वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से काफ़ी सारा पोटेंशियल अनटैप्ड है, जिसमें आप कोशिश करके उस मार्केट को टैप कर सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें आप किस तरह के प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है या जो बन रहे हैं उन्हीं को आप करें जिसमें प्राइस उतना अच्छा नहीं मिलता। दूसरा है आप बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करवाएं, उनके साइज़, कलर और दूसरे पैरामीटर के हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करवाएं, उसमें आप बेहतर प्राइस पा सकते हैं। आप अपनी पोजीशन अपने हिसाब से इस चीज़ को डिसाइड करके अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग के मेथड से ही एक्सपोर्ट करते हैं, उससे सिखाते हैं आप कैसे एक्सपोर्ट डिजिटल मेथड से कर सकते हैं। उसके लिए पहला मेथड तो यही है, आप अच्छी वेबसाइट डेवलप करें, उसमें जो भी वुलन प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिस्प्ले करें, उनके क्या पैरामीटर हैं, स्पेसिफिकेशन है, डिस्प्ले के बारे को एक कॉन्फिडेंस दें कि आप ये प्रोडक्ट को अच्छी तरह जानते हैं, बायर की रिक्वायरमेंट को मीट सकते हैं। वो पोजीशन आप अपने क्लियर करेंगे वेबसाइट में, बायर को इंप्रेशन देंगे तो बायर आपसे इंक्वायरी करने में हिचकिचाएगा नहीं, तो आपका एक ही चैनल बनेगा। दूसरा मेथड है आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे चैनल हैं उनसे अपने आप पोजीशन करके आप बाहर तक अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा, आप पोर्टल की मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, उन पर भी अपने आप पोजीशन करके अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करके आप बाहर तक पहुंच सकते हैं। उनके इंक्वायरी आपके पास आएंगी जिनको आप मीट कर सकते हैं। फिर दूसरे डिजिटल मेथड हैं जैसे ईमेल मार्केटिंग है और दूसरे मेथड हैं, उनसे भी आप करके बाहर तक पहुँच सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए आप हमारी PDF फाइल जिसमें पूरा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट दी हुई है, हमारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सामने पेज पे देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आप छोटे ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर करते हैं तो आपको काफ़ी सारा एडवांस मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से पोजिशन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी ट्रेनिंग लेने के लिए आप हमारा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन डिजिटल एक्सपोर्ट मार्केटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 24 मॉड्यूल हैं जो एक्सपोर्ट और डिजिटल मार्केटिंग सारे एस्पेक्ट, राइट फ्रॉम पॉलिसी प्रोसीजर, एवरीथिंग इज कवर्ड। 12 वीक में कोर्स कम्प्लीट होता है। क्लासेस वीक में 3 दिन होती हैं, एक क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे होता है, ये क्लासेस शाम को 7 से 9 होती हैं। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट इंडिया के सिटीज़ जहाँ पर काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, स्पेशलाइज प्रोडक्ट जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कवर करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी या प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे।
आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल चैनल को दबा के, ताकि अगली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।